हैदराबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है संगारेड्डी, मेदक जिले का मुख्यालय। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मेदक से लोकसभा चुनाव जीतकर अपना प्रधानमंत्री का पद सुरक्षित किया था। तब से लोग मेदक को जानने लगे और यहां विकास की हलचल शुरू हुई। रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाले इस इलाके की पश्चिमी सीमा कर्नाटक और पूर्वी सीमा हैदराबाद से मिलती है। भौगोलिक रूप से एक दूसरे से इतने सटे होने के बावजूद मेदक और हैदराबाद के विकास में भारी अंतर है। हैदराबाद राज्य का सबसे अगड़ा और मेदक सबसे पिछड़ा जिला है। मंजरा नदी पर बने बांध और संगारेड्डी के उद्योग के भरोसे मेदक के विकास का दावा किया जा सकता है, पर यह सब विकास के मुखौटे साबित हुए हैं। मंजरा नदी पर बांध बना था मेदक जिले के सूखे खेतों को पानी देने के लिए, पर यह पानी मेदक की तरफ आने की बजाय हैदराबाद के लोगों की प्यास बुझा रहा है। यहाँ के खेतों की प्यास जस की तस है। कुदरत के कठोर रवैये के कारण मेदक पहले भी सूखा झेल रहा था और आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। अपनी नदी को बांधकर दूसरे शहर को पानी पिलाने वाला मेदक आज भी आजीविका के लिए होने वाली खेती में पसीना बहा रहा है। खेती में न कहीं निवेश दिखता है और न ही आधुनिक औजार। सदियों पुरानी बैलगाड़ी और बैल हलों पर निर्भर है खेतिहर अर्थव्यवस्था। इस इलाके में सूखे की बहुत समस्या है। यहाँ सिंचाई की भी कोई बड़ी योजना नहीं है, बल्कि छोटी मोटी सिंचाई योजनाएं हैं। एक और गंभीर समस्या है जिले में डायन प्रथा तथा तरह तरह के जादू टोने की। बंधुआ मजदूर निवारण कानून के लागू होने के बाद मेदक में सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर मुक्त करवाए गए। मानवीयकृत आपदाएं भी यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। हैदराबाद के नजदीक होने के कारण भी कुछ समस्याएं हैं। मेदक इंदिरा गांधी की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि वे यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ी थी और उस दौरान यहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ। पूरे प्रदेश में मेदक सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला है। The industrial belt between, it was represented incidentally as a constituency by Mrs. Indira Gandhi. There was a lot of industrial development that took place because of certain focus that was given to the district. It is one of the most polluted areas in the state. पिछले दो दशकों में संगारेड्डी में कारखानों की बढ़ती संख्या देखकर उम्मीद बंधी थी। लगता था ये शहर राज्य के औद्योगिक नक्शे में अपनी जगह बनाएगा, पर एक एक कर कई उद्योग बंद होते चले गए। वजह, बुनियादी सुविधाओं की कमी। विकास की मृग मरीचिका में भटक रहा है मेदक। न खेती आगे बढ़ पाई, न उद्योग ही चल पाए। विकास की बहुचर्चित क्षेत्रीय असमानता के दर्शन करने हो तो हैदराबाद से मेदक चलकर आइए। हैदराबाद में 71.52% लोग साक्षर हैं और मेदक में सिर्फ 32.4%। यहाँ पुरुषों की साक्षरता 45.15% और महिलाओं की 19.25% है। कहीं कहीं महिलाओं की साक्षरता सिर्फ 10% तक है। इन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मेदक को एक प्रतीक बनाया। उन्होंने पूरे राज्य में चलने वाली 100 दिन की अक्षर संक्रांति योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2000 को मेदक से किया। इस योजना के तहत राज्य के 2.5 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाना है। इसके लिए 25,000 कार्यकर्ताओं की सेना तैयार की गई। हमने जो कार्यक्रम अभी शुरू किया है उसे संपूर्ण साक्षरता अभियान कहना गलत होगा। वह संपूर्ण साक्षरता अभियान नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए हमने एक लक्ष्य रखा है। लक्ष्य यह है कि 2005 तक हमारा राज्य पूरी तरह साक्षर होगा। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। As a, there is no way I can be fully literate by 2005 if I don't take up coverage of adults. महिलाओं में निरक्षरता ज्यादा होने के कारण अक्षर संक्रांति का लक्ष्य इन्हीं को बनाया गया है। स्वयं सहायता समूहों के साथ संगठित महिलाओं की तरफ से ये मांग की गई थी, यानी अक्षर संक्रांति ऊपर से थोपी नहीं गई है। ये निचले स्तर से उठाई हुई मांग को ऊपर से
यानी राज्य प्रशासन द्वारा पूरा करने का कार्यक्रम है। इनमें वे महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जो पहले से सक्रिय थी। दिस इज अ प्रोग्राम वेयर एक्चुअली व्हाट वी हैव सेड इज, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो जन अभियान नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये कार्यक्रम साक्षरता की मांग करने वालों के लिए है। इस पूरे कार्यक्रम की सोच भी यही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि घर घर जाके लोगों को साक्षर बनाइए, ये हमारा ध्येय नहीं है। संपूर्ण साक्षरता के दौरान हमने ये तरीके अपनाए थे, हमने माहौल बनाने पर बहुत जोर दिया था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने में संकोच करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं जिन्होंने आकर कहा है कि हमें पढ़ने लिखने में रुचि है, लेकिन कोई साधन उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों ने तो स्वयं हमारे प्राइमर खरीद कर पढ़े हैं और लिखना भी सीखा है। इसलिए हमने जब पाया कि ऐसे बहुत से समूह हैं जो कि पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो हमने अक्षर संक्रांति कार्यक्रम शुरू किया। यह सिर्फ लक्ष्य समूहों के लिए विकसित किया गया है। This is entirely a program meant for people who are interested in reading and writing. It is not a program meant for to be delivered. स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के अलावा IRDP और ट्राइसिम जैसी गरीबी उन्मूलन और रोजगार योजनाओं से जुड़ी महिलाओं के साक्षर न होने से उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही थी। वे अपना हिसाब किताब ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वे साक्षरता के लिए छटपटा रही थी। हमने खास तौर पे द्वाकरा समूहों का चयन किया है जहां साक्षरता की कमी थी। हमने स्वयं सहायता समूहों को नामांकित किया है और साक्षरता कार्यक्रम का विकास उन्हीं के लिए किया गया है। साक्षर होने से उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी फायदा हो सकता है। इससे उन्हें अपना काम आगे बढ़ाने में और कौशल हासिल करने में सहायता मिलेगी, साथ ही सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। If we guide them, we train them in well education from Dhaka or Jan Shikshan Samsthans or Samik Vidyapeeth or some industrialists, they can develop their own skills and day to their life. It is easy to get their life too easy. अक्षर क्रांति इनकी एक जरूरत के रूप में शुरू हुई। इसमें IRDP की उपयोजना ड्वाकरा यानी Development of Women and Children in Rural Areas की कार्यकर्ता ज्यादा रुचि ले रही थी। चूंकि ड्वाकरा योजना इस जिले में आरंभिक दौर में ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए अक्षर संक्रांति इन्हीं कार्यकर्ताओं के अनुभवी कांधों पर आगे बढ़ रही है। सरपंच, प्रधान, MLO और अन्य अधिकारी जगह जगह सभाएं कर अक्षर संक्रांति के लिए माहौल बना रहे हैं। महिलाएं घर घर घूम रही हैं, पहले से चले कार्यक्रमों के संपर्क सूत्रों में नया स्पंदन पैदा कर रही हैं और उसमें साक्षरता का संगीत पैदा कर रही हैं। लोगों को जोड़ने के लिए कला जत्था सक्रिय है। नुक्कड़ नाटक के ग्रामीण कथानक, चुटीले संवाद और मर्मस्पर्शी अभिनव साक्षरता की भूख जगा रहे हैं। अरे अच्छा होने को सब एक ही होते हो, कोऑपरेट करे तो अच्छा है। प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मोटिवेटर्स ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उसको ट्रेनिंग देना, उसको ट्रेनिंग देके पब्लिक में उसको लेके जाके वो पब्लिक को सिखा लेना पहले। माहौल बनाने के लिए स्लेट, पेंसिल और किताबों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्हें कार्यकर्ताओं में बांटा जा रहा है। मीटिंग में लोगों को सम्मान के साथ दायित्व सौंपते हुए इनके भीतर समर्पण की भावना जगाई जाती है। लोगों को गैस वगैरह के साथ अन्य सुविधाओं का प्रलोभन दिया जाता है। अक्षर संक्रांति एक तरह से ड्वाकरा योजना का ही विस्तार लगता है, इसलिए महिलाओं को इस पर ज्यादा विश्वास और इससे ज्यादा जुड़ाव है। इसी नाते महिलाओं ने पुरुषों को भी साक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया है। आंध्र प्रदेश में सूचना क्रांति के इस दौर में कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए नए प्रयोग किए गए हैं। एक निजी कंपनी ने इस कार्यक्रम के लिए 5 कंप्यूटर दिए हैं। क्योंकि अक्षर संक्रांति सतत शिक्षा केंद्रों से चल रही है, इसीलिए कंप्यूटर इन्हीं केंद्रों पर लगाए गए हैं। कंप्यूटरों ने अक्षर ज्ञान को स्लेट तख्ती के मुकाबले ज्यादा रुचिकर बनाया है। कंप्यूटर में प्राइमर की 3 किताबें सरल प्रोग्राम द्वारा फीड कर दी गई हैं।
दूसरी तरफ पढ़ने आए लोगों को प्लास्टिक के अक्षर दिए जाते हैं। कंप्यूटर के पर्दे पर जिस तरह अक्षर उभरते, जुड़ते और टूटते हैं, वैसे ही पढ़ने वाले प्लास्टिक के अक्षरों से जुड़ते हुए शिक्षा की सीढ़ी चढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं की मदद से इस कार्यक्रम ने लोगों की सीखने की प्रक्रिया को गति दी है। सुबह शाम की पालियों में सुविधा के लिहाज से अक्षर संक्रांति के साथ ही सतत शिक्षा कार्यक्रम भी चल रहा है। संगारेड्डी से 15 किलोमीटर दूर है मार्क्सिस्ट कॉलोनी। यह है यहाँ का सजा धजा सतत शिक्षा केंद्र। अर्गनी पर कपड़ों की तरह टंगी है किताबें। यह यहाँ की लाइब्रेरी है। इनमें 94 तरह की किताबें हैं। इनमें कुछ राज्य संसाधन केंद्र और ज्यादातर चित्तूर जिला केंद्र से तैयार कराई गई हैं। इन्हें निजी प्रकाशकों ने छापा है, पर इन किताबों की सार्थकता तभी है जब कोई इन्हें पढ़े और इनसे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। मेन एक्टिविटीज इन रीडिंग रूम। सतत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वाचनालय चलाना है, एक ऐसा वाचनालय जहां नवसाक्षर, अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े लोग, आंगनवाड़ी, बांगवाड़ी, स्कूल के बच्चे तथा स्कूल छोड़ चुके बच्चे भी आकर अखबार एवं किताबें पढ़ सकें। हमारा प्रयत्न ये रहता है कि हम 7:30 बजे तक अखबार मुहैया करा दें, जिससे कि गांव वाले सुबह अखबार पढ़ सकें। यह सेवा उनके लिए निःशुल्क है। एंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर फ्री इन द विलेज ड्यूरिंग दैट टाइम, so it is an free for them to read the daily newspaper. Andhra has a fairly strong library movement. Andhra Pradesh mein pustakalaya andolan ka bahut zor hai. Durbhagyavash isko ek dusra sansthan chala raha hai. Jila rahita sansthan gaon ke star pe pustakalaya chalata hai. Kuch jilon mein ye andolan badi tezi se chal raha hai aur in jilon mein hum ise sakshatta ke sath jodne ka prayas kar rahe hain. The idea is you'll have to link it up to that program and then take it on from there. सतत शिक्षा केंद्रों ने स्कूलों की एक आयामी भूमिका से अलग बहुआयामी भूमिका ग्रहण कर ली है, इसीलिए इनके स्पर्श से कोई नहीं बच सकता। साक्षरता कार्यक्रम के दौरान लोगों ने पढ़ने लिखने का कौशल तथा ज्ञान हासिल किया था। हमारी कोशिश ये है कि सतत शिक्षा केंद्र के माध्यम से पढ़ने लिखने की परंपरा बनी रहे। पंचायत घरों में शिक्षा के साथ कई कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ लोगों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है और उनके छोटे मोटे कामों का भी ध्यान रखा जाता है। बिजली का बिल जमा करने के चक्कर में किसी की पढ़ाई न छूट जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ बिजली के बिल जमा किए जाते हैं। पंचायत भवनों में चल रहे ये केंद्र सूचना केंद्र भी बन गए हैं। यहाँ टेप रिकॉर्डर में बजते कैसेट बताते हैं कि गाँव वालों और महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं आई हैं। Continuing education program is a, like in a library. सतत शिक्षा केंद्र का प्रमुख अंग है पुस्तकालय और फिर वाचनालय। हमारा मुख्य कार्य है सूचना का प्रभाव बनाए रखना, जिससे लोगों की पढ़ने लिखने की क्षमता में लगातार विकास हो सके। महिलाओं के विकास के लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं। उनसे संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी यहां उपलब्ध कराई जाती है। हमने नव साक्षर, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले तथा गाँव के बुजुर्गों के विकास के लिए खास कदम उठाए हैं। लेकिन केंद्र की भूमिका सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने पर समाप्त नहीं होती। ये इन योजनाओं पर चर्चा करता है और प्रशासन तथा जनता के बीच एक माध्यम का काम करता है। The MLO is the head of the CEC program and each मंडल साक्षरता संयोजक या MLO मंडल के स्तर पे सतत शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख होता है। प्रत्येक मंडल में 10 से 16 सतत शिक्षा केंद्र होते हैं। प्रेरक के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी MLO की होती है। सरकारी विभागों से सारी सूचना इकट्ठा करना तथा उनको प्रेरकों तक पहुंचाना भी MLO का काम होता है। खास तौर पर कृषि विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, न्यायालयों आदि से सूचना लाना और उसे लोगों तक पहुँचाने में MLO की खास भूमिका होती है। मंडलों में उपलब्ध की गई सूचना तथा तैयार की गई प्रशिक्षण सामग्री प्रमंडल स्तर पर भेजी जाती है और फिर जिला स्तर पे ये सारी सूचना अलग अलग मंडलों में बांटी जाती है तथा प्रेरकों के प्रशिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। प्रेरकों का प्रशिक्षण साल में 2 बार होता है। I mean cash or kind through that materials he is producing the training materials in the mandal and he will give the information to the division and division will inform to the district. And we will share among the staff, our staff, and we will take a certain time
for the training programs, whether in twice a month or thrice a month or in twice a year. Like that we will give the training to our volunteers. आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है. क्योंकि ये सतत शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए प्रशिक्षित शिक्षकों को बुलाया गया है. हालांकि इन केंद्रों में काम सीखने जो लोग आते हैं वे पहले से काम जानते हैं. जैसे कुंभकारी का काम है तो वो इन लोगों का खानदानी पेशा रहा है. सिलाई कढ़ाई लोग करते ही रहे हैं. थोड़े से प्रशिक्षण से लोगों की कुशलता काफी बढ़ जाती है, फलतः उनके सामान की कीमत भी बढ़ जाती है. योग्य प्रशिक्षकों के आने से इन केंद्रों की तरफ पढ़े लिखे लोग और स्कूल जाने वाले बच्चे भी आकर्षित हुए हैं. एक तरह से ये हुनर सिखाने का विद्यालय बन गया है. पर अच्छे प्रशिक्षक सिर्फ प्रेरणा से नहीं आते, अतः उन्हें यहाँ मानदेय भी दिया जाता है. यह है जिला साक्षरता समिति का अखबार मंजरी संप्रवाह. जिस तरह मंजरी नदी सबको पानी देती है, वैसे ही यह कार्यक्रम से जुड़े लोगों को खबरें और प्रेरणा देता है. यह अखबार नवसाक्षरों के व्यक्तित्व को संवारता है, इसीलिए केंद्र पर आने वालों को अखबार का इंतजार रहता है. सक्सेसफुल स्टोरीज अभी जो प्रोग्राम सकते हैं MLOC इसी में कौन आके बात करे, क्या बात करे, कितने लोग पार्टिसिपेट हुए, सक्सेसफुल स्टोरीज भेजाते हैं हमारे, वो प्रिंट करते हैं. और इनको दिल बहलाने के लिए जस्ट क्या करते बोलते तो हम लोग थोड़े स्टोरीज डालते. वो स्टोरी अगर वो पढ़े कि उन लोगों की गलती करे तो ये सजा है, नहीं तो ऐसा अकबर बीरबल की स्टोरी हो या दूसरा कोई भी स्टोरी हो वैसे डालते. और ज़्यादा किसी को धोखा देके पैसे कमाने के बाद लास्ट कैसा होता, ऐसा जो इसको थोड़ा है और होना बोल के वैसे स्टोरी से जैसा एक एक लिखे हम स्टोरी ऐसे डाले. और उसके बाद क्या करते हैं बोलते एक पोएम भी देते, ऐसे पोएम्स देते हर हर राशि में एक पोएम देते. वो पोएम पढ़ने से उसको क्या समझ में आता बोलते, उसमें की जो प्रिंसिपल है उसमें जो उसको मिलना है उसको वो मिल जाता. पर मंजरी संप्रवाह के रास्ते में तमाम अवरोध हैं. ये अखबार साप्ताहिक होना था लेकिन कोष की कमी के कारण ये पाक्षिक ही रह गया. एक ही आदमी पूरा अखबार निकालता है, इसीलिए विविधता की कमी रहती है, रचनात्मकता नहीं आ पाती. फिर भी तमाम केंद्रों और गांव की खबरें समेटे अखबार ये तो बताता ही है कि कहां क्या हो रहा है. लास्ट टाइम मैगजीन में हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में प्रिंट कर रहे थे. इसमें क्या बताया उनको कि अगर एक्सीडेंट होगा उसको कुछ फ़ायदा मिल सकता है क्या, कंसल्ट ऑफिस, MRO ऑफिस, MDO ऑफिस कैसा अप्रोच होना कॉम्पनसेशन के लिए, हम उसमें लिखे हैं. जिसको वो चीज़ नहीं मालूम है बोला उसको समझ के कम दूसरों से भी समझा लेके जाते. दूसरा और क्या है बोल तो लोकली वीक मंथली जो 4 वीक्स है उसमें 3 वीक्स के टॉपिक्स हम लोगों को डायरेक्टेड से आते हैं. रिमेनिंग एक टॉपिक वो लोकल में एक टॉपिक कंडक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर पे या वहाँ कुछ हैजा आया यानी तो मलेरिया हुआ, हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, ऐसी चीज़ों पे कंसल्ट रिप्रेजेंटेटिव को एक्सपर्ट्स ला के लोग MLO वहाँ का जो प्रेरक रहते हैं वो लोग से गाँव वालों को बताने लगाते हैं कि इसके बाद से ये लेना पड़ता है कम होने के लिए. तो उससे वो लोग क्या होता अवेयरनेस एक बढ़ जाता है. अक्षर संक्रांति और सतत शिक्षा कार्यक्रम जिन संगठित समूहों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं उनमें स्वयं सहायता समूह प्रमुख हैं. ये समूह यहाँ पहले से चल रहे हैं और इन्होंने यहाँ महिला बैंक चलाने का प्रयोग किया है. स्वयं सहायता समूह ने अपनी बचत का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जमा कर महिला बैंक बना रखा है. इन बैंकों का खाता होता है और जमाकर्ताओं को पासबुक दी जाती है. इस महिला बैंक का पैसा किसी मान्यता प्राप्त बैंक में रखा जाता है. इन बैंकों से जमा राशि का दोगुना कर्ज मिलता है. 600 मेंबर्स करके एक महिला बैंक रख दिए और रखने के बाद वो पूरा उनको ग्रुप को एक एक में एक एक ग्रुप का 15,000 इन लोन देती हम लोगों ने लेके उन काम करते. कोई भी वो एग्रीकल्चर का दूसरा क्या भी करते बिजनेस वेजिटेबल्स और एक्स्ट्रा क्या ही काम करके लेके इंटरेस्ट 1 रुपये है दे के वो देखे आके 1500 मंथली वाइज 10 इंस्टॉलमेंट है उसका. दरअसल इन बैंकों को चलाने से इनसे लेन देन की आवश्यकता ने भी शिक्षा के प्रति ललक पैदा की है. हालांकि कर्ज लेकर नया कारोबार करने वाले कई लोग अभी खेतिहर मजदूर ही हैं, क्योंकि इनका कर्ज
अदा नहीं हो पाया है। कई गतिविधियों को एक बिंदु पर जोड़ने वाले सतत शिक्षा केंद्रों ने परंपरा और आधुनिकता को भी जोड़ दिया है। ये हैं लंबाड़ा आदिवासी। रहन सहन, खान पान व्यापक समाज से अलग है। पुरुष भले ही पैंट शर्ट पहनने लगे हों, पर महिलाएं बाह भर की चूड़ियों और जेवरों से लदी रहती हैं। सतत शिक्षा ने इन्हें शिक्षा के आभूषण पहनाए हैं। शिक्षा के आभूषणों का महत्व समझने के बाद परंपरा के आभूषणों का बोझ कुछ कम हुआ है। इस परिवर्तन के बावजूद आदिवासी अपनी संस्कृति की मूल भावना को बचाते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पहले शिक्षा के मार्ग में उनकी अपनी भाषा ने थोड़ी दिक्कतें पैदा की, पर अब वे तेलुगु सीखने लगे हैं। सतत शिक्षा केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉर्पस फंड बनाया गया है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाते हुए लोगों से चंदा इकट्ठा कर 10-10 हजार रुपए जमा किए गए हैं। The whole issue was that each community, the CEC should run. पूरा मुद्दा यह है कि प्रत्येक सतत शिक्षा केंद्र का संचालन समुदाय को ही करना होगा। परियोजना के अंतर्गत सिर्फ 5 साल तक ही इसका संचालन हो सकता है। उसके पश्चात इसे अपने पाँव पर खुद खड़ा होना होगा। यदि उस समुदाय का सहयोग नहीं होगा तो ये 5 साल तक चलकर स्वयं बंद हो जाएंगे, और यदि 5 साल के बाद इसके संचालन के लिए कोष का इंतजाम किया जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और लोगों को प्रोत्साहित करना संभव नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम आज से ही 5 साल बाद के बारे में सोचें और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाएं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि प्रत्येक केंद्र अपने लिए 10,000 रुपए की पूंजी का प्रबंध करे। इन पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर दिया गया है ताकि 5 साल बाद जब सरकारी अनुदान बंद हो जाए तो जनता के इन पैसों से केंद्र चलता रहे। मेदक में 35 लाख रुपए का कॉर्पस फंड इकट्ठा हो चुका है। जिला साक्षरता समिति वाले हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए थे एक सीसी ओपन करने के लिए 10,000 रुपीस जरूर बनना चाहिए बोल के बोलिए हमारे को। तो 10,000 कैसा का जमा करना बोले तो वो मेंबर्स गांव में मेंबर्स रहते ना, हर विलेज में ये लिटरेसी प्रोग्राम पे और पढ़े सौ प्रोग्राम पे सीसी सेंटर आने के लोगों से पैसे वसूल करें। मैं उन्होंने एक आदमी 100 रुपीस दिए, एक आदमी 50 रुपए दिए, एक आदमी 500 रुपए दिए, ऐसा मेंबरशिप फीस और दूसरा लिए मैं लेके हर विलेज को उनके गांव पे और एक एक कमेटी लगाया, विलेज लर्नर्स कमेटी लगाया। उसमें चेयरमैन और 3 मेंबर्स रहते, 2 लेडीज भी मेंबर्स ले लिए उसमें। तो उसके नाम पर और कन्वीनर प्रॉपर विलेज का स्कूल का कन्वीनर है ना, हेडमास्टर कन्वीनर लगाया। ये एक सराहनीय प्रयास है और उन जगहों के मुकाबले बहुत बेहतर है जहां आगे के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया। पर इसका दुष्प्रभाव भी है। इससे शिक्षा का ये कार्यक्रम जन आंदोलन बनने के बजाय व्यवसायिक हो गया है। जहां कॉर्पस फंड नहीं जमा हो पाया वहां शिक्षा केंद्र खुले ही नहीं या फिर बंद हो गए, यानी भविष्य के फेर में सतत शिक्षा का वर्तमान ही मारा गया। कम से कम 5 साल तक तो ये केंद्र चलाए ही जा सकते थे। सतत शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही अक्षर संक्रांति को चलाने के नुकसान भी हुए हैं। मुख्यमंत्री का खास कार्यक्रम होने के नाते अक्षर संक्रांति पर ही सभी का ध्यान लगा है। इस दौरान सतत शिक्षा कार्यक्रम धीमा हो गया है। पर इससे भी ज्यादा विचार करने की बात तो यह है कि क्या शिक्षा को पूरी तरह पैसा उगाही, कर्ज और अन्य प्रलोभनों से जोड़ दिया जाना चाहिए। अगर सारे बाजार के मूल्य शिक्षा अभियानों में ही डाल दिए जाएंगे तो मनुष्य नैतिकता सीखने कहां जाएगा? अक्षर संक्रांति और सतत शिक्षा कार्यक्रम की लहरें अगर मिलकर चलें तो समाज को नई दिशा दे सकती हैं और उसके भीतर के तमाम मोती बाहर ला सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें ऊपर उठने के साथ गहरे भी बैठना होगा। मेदक अपने को पहचाने, अपनी उन्नति का मार्ग निकाले और परिवेश के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाए, तब कहा जाएगा कि शिक्षा सफल रही।